जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं जीतेंगे जब तक नहीं पहनूंगा कपड़े और जूते चप्पल, सिंधिया भक्त। शिवपुरी जिले के ग्राम एजवारा गांव में रहने वाले रूपेश अवस्थी, उम्र 35 साल, जो अविवाहित है और बिना कपड़े और बिना चप्पल जूते के ही चलता फिरता है। युवक ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की 2019 की लोकसभा चुनाव में हुई हार पर संकल्प लिया हुआ है कि जब तक ज्योतिरादित्य चुनाव नहीं जीतेंगे तब तक इस हाल में रहेंगे और यदि सिंधिया अगले लोकसभा चुनाव में भी नहीं जीते तो समाधि लेने का भी संकल्प ले सकते हैं। युवक ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना भगवान मानता है और उनका चित्र भी अपने सीने पर बनाए हुए है। क्या नाम है आपका? रूपेश अवस्थी। कहाँ के रहने वाले? अच्छा जी, आपने जो ऊपर के वस्त्र नहीं पहनने का संकल्प लिया है और जो सिंधिया जी का जो फोटो छप्पा रखा है, क्या कारण है इसके पीछे? ये तो मैंने करीब 7-8 साल पहले बनवाया था, लेकिन 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र साहब ने जो नामांकन जब दाखिल किया था तो मैंने महाराज की विजय तक के लिए शर्ट और चप्पल दोनों छोड़ रखे थे। अच्छा, चप्पल भी छोड़ रखी? जी जी। लेकिन क्या हुआ कि वो महाराज साहब हार गए थे, तो जब तक महाराज साहब नहीं जीतेंगे जब तक वो नहीं पहनेंगे। महाराज साहब जैसे लोकसभा का चुनाव में उनको टिकट ना मिले तो वो कैसे चुनाव लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे? नहीं, टिकट मिलेगा महाराज साहब को पक्का। आपको विश्वास है? बिल्कुल। तो आपको क्या जरूरत पड़ गई ऐसा करने की? उससे क्या फर्क पड़ता है? जो तो नेता हैं जीतते आते रहते हैं। तो महाराज साहब मेरे लिए तो मेरे भगवान से भी बढ़कर हैं, भगवान ही वो ही है मेरे। अभी नहीं, पहले से ही मैं कैलाशवासी महाराज साहब को भी बहुत पसंद करता, लेकिन जब मैं छोटा था। अच्छा, तो जो आपको कपड़े आप नहीं पहनते तो इससे आपको परेशानी नहीं होती? आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होता? नहीं, घर पे ही रहता हूँ। फिर मैं जब 4 साल से घर पे ही हूँ। घर पे ही रहते हो, बाहर नहीं जाते कहीं? बाहर जाना होता है तो सॉल उड़ के जाता हूं। आपका अपना काम वाम कैसे करते हो आप? आजीविका कैसे चलाते हो? आपकी रोजी रोटी कैसे चलती है? तो ही चल रही है अभी इस समय तो 4 साल से ही। समझ, आप कुछ नहीं करते? नहीं। आपके बीवी बच्चे वगैरह? शादी नहीं हुई मेरी। शादी नहीं हुई? अब जीवन महाराज के लिए समर्पित है हमेशा तक के लिए। अच्छा, तो लेकिन महाराज का इससे क्या हल हो रहा है, मतलब उनको क्या लाभ हो रहा है? तो मैं तो महाराज साहब को पसंद करता हूँ। मेरी तरह ऐसे बहुत से युवा हैं जो महाराज साहब को इतना पसंद करते हैं, जो महाराज साहब उनके दिल में ही रहते हैं। कभी आपकी महाराज साहब से मुलाकात हुई है? कई बार। क्या कहा उन्होंने? महाराज साहब का कार्यक्रम होता है वहाँ जाता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कपड़े उतारने के? महाराज साहब तो कभी नाराज हो जाते हैं, ये क्या किया आपने, लेकिन अब मैंने तो जो संकल्प लिया है तो मैंने कहा महाराज साहब इसको तो मैं पूरा करूँगा। तो अब ऐसा कब तक चलेगा आपका ये? अब क्या, अब चुनाव आने वाला है, फिर महाराज साहब जीत जाएं, बस जीत महाराज साहब की याद से ही पहनना है। आपको उम्मीद है जीत जाएंगे? बिल्कुल। यदि वह नहीं जीते तो? अरे ऐसा होगा ही नहीं, नहीं। एक बार हो चुका है, यदि नहीं जीते तो क्या करेंगे आप? कपड़े पहने नहीं जीते तो फिर संकल्प कुछ ऐसा होगा जैसे वो कंप्यूटर बाबा ने लिया था कि समाधि वाला, उन्होंने तो ली नहीं, लेकिन अगर मैंने ले लिया तो पक्का है समाधि लोगे? बिल्कुल ले लूंगा। फिर अभी खैर संकल्प मैंने लिया नहीं है, लेकिन अभी तो पहले चुनाव है, महाराज साहब जीतेंगे। अब मतलब 23 में उनको टिकट मिलता है लोकसभा का और वो चुनाव हारते हैं तो फिर आप समाधि लोगे? तो महाराज साहब को मिला हुआ है, अगर नहीं भी मिला और अगर महाराज साहब का अगर ऐसा होता है तो फिर बात की बात है। नहीं, हारने के बाद समाधि ली जाएगी? अरे हारेंगे ही नहीं महाराज साहब। आपको विश्वास है? नहीं। चलो, आपको कुछ मदद करते हैं किसी? मैंने आज तक महाराज साहब से कुछ नहीं मांगा। नहीं मांगा जी। मालूम है आपको? जी मालूम है।